नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमकीन के बिजनेस की। दोस्तों, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले ये सोचें, आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। दोस्तों, बिजनेस को हमेशा और हमेशा सिर्फ यही सोचकर बिजनेस करना चाहिए जैसे कि वो आपकी औलाद है। मुझे इसकी देखभाल करनी है, ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर सेट करना है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना है, ताकि वही बिजनेस एक दिन चीख चीख के कहे कि इंसान मेरा मालिक है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बिजनेस कर लिया है और वो चल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बीमार है, अपंग हो गया है, तो दोस्तों घबराएं नहीं। हमारी स्वरोजगार भारत की पूरी टीम निस्वार्थ आपके साथ है। आप आएँ, परेशानी बताएँ, हम हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जो नमकीन बेस्ड है। दोस्तों नमकीन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। इस बिजनेस को आप जितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दिन दुनी रात चौकनी सक्सेस कर सकते हैं। इसमें इतने वेरियंट हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ी सूझबूझ और मार्केट की पकड़ आपको इतना फ़ायदा दे सकती है, बहुत फ़ायदा दे सकती है। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बस इतना ही कहूँगा कि स्किप ना करें, क्योंकि आज हम इसमें आपको एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण देने वाले हैं। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी सारी शंकाओं को दूर कर सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले और ज़रूरी बात आती है रजिस्ट्रेशन की, यानी लीगल प्रोसेस। सबसे पहले बात करेंगे फर्म की। वैसे तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये सारी प्रोसेस कर लेनी चाहिए। सबसे पहले होता है फर्म का नाम, आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं। दूसरा होता है लोगो, जो आपकी पहचान बनता है। तीसरा प्रोसेस होता है GST, टैक्स वगैरह। और चौथा और आखिरी होता है FSSAI, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चारों काम आप CA की निगरानी में करते हैं, मतलब ये सारे प्रोसेस आपको CA ही करके देगा। इस प्रोसेस में लगभग 10 दिन से एक महीना तक लग जाता है, बाकी काम तो सब ऑनलाइन हो ही जाता है, पर FSSAI में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये भी तीन तरह के होते हैं दोस्तों। पहला FSSAI रजिस्ट्रेशन, वो होता है जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, जैसे चाउमीन हो गए, मोमोज, समोसा, बर्गर, ढाबा, छोटे छोटे खाने पीने के होटल जो ये चलाने वाले होते हैं, जैसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए। दूसरा होता है स्टेट, जिसमें आप अपने प्रदेश स्टेट में जाकर कहीं भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तीसरा प्रोसेस होता है दोस्तों सेंट्रल, इसमें आप पूरे देश में कहीं भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था लीगल प्रोसेस, जो स्टार्टिंग में तो आपको पैसा लगाकर जरूर मतलब करना जरूर चाहिए, मगर ये इन फ्यूचर बहुत काम आता है। ये पैसा जरूर लगवा देगा आपका, लेकिन इन फ्यूचर इतना काम आने वाला है कि बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करेंगे रॉ मटेरियल की। दोस्तों, इसमें भी आप दो टाइप से काम कर सकते हैं, एक तो यह है कि आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करें, या दूसरा कहीं और से मटेरियल लेकर आप उसे पैक करें, अपना लेबल लगाएं और अपना ब्रांड बनाकर उसे सेल करें। इस बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे हम ट्रेडिंग की और पैकिंग की और सेल की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे आपको बता चुका हूँ कि नमकीन में बहुत वेरियंट होते हैं, अब बात करेंगे कि आप कैसे और कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी राय में सबसे पहले आपको अपनी मार्केट स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, आपके एरिया में, शहर में क्या सबसे ज़्यादा सेल होता है। क्योंकि जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, तो आपको सिर्फ 3 ही ब्रांड लॉन्च करने पड़ेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप पैसा क्यों नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप मार्केट स्टडी कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं कि आप मार्केट में क्या लॉन्च करेंगे, सबसे पहले भुजिया है,
भुजिया में भी लगभग 9 प्रकार के 9 टाइप की भुजिया होती है, आलू भुजिया, बीकानेरी भुजिया। दूसरी आती है बात, हम दोस्तों करेंगे मिक्स की। मिक्स में भी काफ़ी तादाद में वेरिएंट आते हैं, जैसे कानपुरी हो गई, बॉम्बे मिक्स हो गई, कश्मीरी मिक्स हो गई, नवरत्न मिक्स है, पंचरत्न मिक्स है। दोस्तों तीसरा वेरिएंट होता है तड़का, जैसे दाल हो गई, चना, मुरमुरे, पोहा, इसी टाइप से कई सारे वेरिएंट हैं इसके अंदर। आपने भी देखा ही है मार्केट में, आपने भी खाया ही होगा आज तक सब कुछ। अब आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा, आपकी स्टडी पर डिपेंड करेगा, कि आपकी समझ पूर्व पर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या मार्केट में चल क्या रहा है। दोस्तों हमारी सलाह से आपको मार्केट में वो वेरिएंट लॉन्च करना चाहिए जिसका मैन्युफैक्चर सबसे, मतलब जिस मैन्युफैक्चर से आप ले रहे हैं वो सबसे अच्छा और यूनिक क्या बनाता है। भुजिया ज़रूर लॉन्च करें, क्योंकि एक भुजिया ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर चॉइस नहीं करता, बस वो कहता है भुजिया दे दो भैया, ज़्यादा मतलब बहुत कंपनियों ने लॉन्च किया हुआ इसलिए ज़्यादा चॉइस नहीं करता वो, मुझे बस यही चाहिए, ये कभी ऐसा बोलेगा नहीं, वो उसी कंपनी का चाहिए ऐसा भी नहीं बोलेगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं रेट की। वैसे तो मोस्टली लोग हल्का माल खरीद कर उसे अच्छी पैकिंग में डालकर सेल करते हैं और बस अपना काम और घर चलाने की बात मात्र सोचते हैं, मगर दोस्तों मेरा कहना है कि प्रोडक्ट में इनकम कम रखो और प्रोडक्ट में जान ज़्यादा रखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही प्लानिंग सही करके चलेंगे तभी इन फ्यूचर आपको इसके बेनिफिट दिखेंगे। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है और चलाना उससे भी ज़्यादा आसान है, मगर उसे ब्रांड बनाना उतना ही टफ टास्क है। कहते हैं दुश्मन बनाने के लिए आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा कामयाब हो जाओ तो दुश्मन आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक कामयाब पर्सन बनना आसान नहीं होता, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग चलाना पड़ता है, सब पर तीखी नज़रें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चूक, छोटी से छोटी गलती आपको नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों जो भी करें, जैसे भी करें, बहुत देखभाल कर, बहुत सोच समझ कर करें। तो अब बात करते हैं मेटल के रेट की। तो एक अच्छे ऑयल और अच्छे बेसन से बनी प्योर नमकीन लगभग 135 से 155 रुपए तक आसानी से आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। अब आप कहेंगे ये तो कुछ महंगी है। नहीं दोस्तों महंगी नहीं होती, जिसमें मसाले प्योर होते हैं और एक्सपायरी डेट होती है वो हमेशा थोड़ा सा महंगी ही होती है। वो अगर आप सस्ती तो ले लेंगे मगर जल्दी ख़राब हो जाएगी, मार्केट में शिकायत आने लगेगी, आप परेशान हो जाएंगे कि शिकायत आ रही है। जब आप अपने शहर में ही किसी चीज़ को नहीं बेच पा रहे हैं, उसे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप राज्य से देश में कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें। अगर हम अपनी बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा तीखा चना जो हम खुद का बनवाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, वो दूसरी ब्रांड कंपनियों से, जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे भी महंगा बिकता है हमारा और खूब बिकता है। आज पब्लिक अच्छा और सेहतमंद चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागती है, ज़्यादा पसंद करती है, चाहे वो थोड़ी सी कॉस्टली क्यों ना हो। आज कामयाब बनना चाहते हैं, आप कामयाब बनना चाहते हैं तो बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के साथ कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बस। दोस्तों अब बात करते हैं पैकिंग की। नए बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द बनती है पैकिंग, लेकिन आज हम आपकी ये सारी उलझन भी कुछ ही मिनटों में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम भी खुद परेशान हुए थे बहुत, और तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा परेशान ना हो, तो इसलिए जो है आज हम आपको भी बहुत आसान शब्दों में सब कुछ समझा देता हूँ। दोस्तों पैकिंग में सबसे पहले आता है डिज़ाइन, जो आप रैपर तैयार करवाएंगे उसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना से ही कहूँगा कि डिज़ाइनर आप अपना ही रखें, अपना ही डिज़ाइन बनवाएं, अपने आसपास ही डिज़ाइन बनवाएं, क्योंकि यही डिज़ाइन होता है जो सबसे पहले देखा जाता है। इसकी लुक जितनी यूनिक होगी, जितनी सुंदर होगी, उतना ज़्यादा कस्टमर इस पर जल्दी हाथ रखेगा। दूसरा आता है दोस्तों प्रिंटिंग सिलेंडर, जिसे मतलब जिस
रैपर जो प्रिंट किया जाता है, अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो एक सिलेंडर लगता है, डबल कलर चाहिए तो दो सिलेंडर लगते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे कलर बढ़ते जाएंगे सिलेंडर एक एक करके बढ़ता जाएगा। टोटल 5 सिलेंडर जो होते हैं इसके लास्ट होते हैं, जिसमें 5 कलर बोलते हैं उसको। तो 5 कलर के बाद इसके बाद कोई और सिलेंडर नहीं लगता, सिर्फ 5 सिलेंडर लगते हैं टोटल। और दोस्तों ये भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आपका, इसको भी सिर्फ एक ही बार छपवाना पड़ता है। उसके बाद ये काफ़ी बार प्रिंटिंग कराने के बाद ख़राब होता है ये, तो इसमें भी आपको जो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद ये काफ़ी समय तक चलता रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रैपर की। दोस्तों सब अपने अपने रेट बताते हैं, मगर ये जो है 245 रुपये केजी आता है, और कम से कम 300 केजी एक बार में प्रिंट करवाना पड़ता है। 300 केजी से कम कोई प्रिंट नहीं करता है। ये बोलते हैं मतलब रोल की शेप में आते हैं, बोलते हैं सब अपने अपने रेट बोलते हैं, शेप इसकी रोल में ही आती है, वो नए नए नाटक तरीके से आपको बताते हैं जो मशीन में फिट किए जाते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस मशीन अपने आप करती है। इसलिए पीछे मैंने आपसे बात की थी ना कभी, जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप मार्केट में सिर्फ 3 ही वेरिएंट लॉन्च कर सकते हैं या कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही बार आप 3 वेरिएंट प्रिंट करवा सकते हैं। वैसे तो प्रिंटर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट के लिए बोलेगा कि मैं 300 केजी एक ही वेरिएंट छापूंगा आपका, लेकिन अगर आप उससे थोड़ी सी नेगोशिएशन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो 3 प्रिंटिंग आप एक बारी में करवा सकते हैं। ये आपको सही सलाह कोई भी नहीं देगा, वो आपको सिर्फ 300 केजी के लिए एक ही बारी में बोलेगा कि एक वेरिएंट का भैया 300 केजी एक ही बार छपेगा, जबकि वो चाहें तो 3 वेरिएंट एक ही बारी में एक ही सिलेंडर के ऊपर छाप सकते हैं, पर वो ऐसा करते नहीं, वो आप करवा सकते हैं उनसे बात करके। दोस्तों साथ साथ मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हम लोगों में से ऐसे भी होते हैं कि काम करने की जोश और जुनून होती है उनके अंदर, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अपना काम, अपना सपना अधूरा छोड़ देते हैं या उस काम को नहीं कर पाते। तो दोस्तों घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन ना लें, बस आप बिजनेस करने वाले बने। हम आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है मशीन से, नाइट्रोजन से भरा हुआ, एयर से भरा हुआ मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, मगर प्लांट लगाने में सक्षम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको करवा सकते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट जैसे नमकीन, बिस्कुट, फिनाइल, सोप, चॉकलेट, हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, सर्फ है, साबुन है, अगरबत्ती, चिप्स, कुछ भी, कैसा भी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप हमसे संपर्क जरूर करें। अपना सपना अधूरा मत छोड़ें, एक बार आप हमसे संपर्क जरूर करें। हो सकता है बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड का मालिक शायद हमारा वीडियो देख रहा है। जी हाँ दोस्तों ऐसा हो सकता है, बस आप थोड़ी हिम्मत करें, खड़े हों, अपना सपना पूरा करें, स्वरोजगार भारत के साथ चलें। हम आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे मशीन की। दोस्तों इसमें भी दो तरह की मशीनें आती हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, मेड इन इंडिया होती हैं, और आपको यही लेनी चाहिए, क्योंकि अपने देश में बनने वाला प्रोडक्ट खरीदेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। एक ऑटोमेटिक और एक हाफ ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, दो तरीके की मशीनें आती हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस कुछ फंक्शन और स्पीड का फ़र्क होता है, वेट का फ़र्क होता है। आमतौर पर फुल न्यूमेटिक ही लेनी चाहिए, कहते हैं महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो दोस्तों फुल न्यूमेटिक आपको 1,90,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक के बीच में पड़ जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इनमें थोड़ा फ़र्क होता है बॉडी का, प्राइस का, मोटर का। कुछ लोग ब्रांडेड कंपनियों की मोटर लगाते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमारी ब्रांडेड कंपनी की मोटर है, कुछ लोग अपनी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से लगाते हैं कि मशीन की ज़रूरत कितनी है उस हिसाब से वो मोटर लगाते हैं। गारंटी और वारंटी दोनों के बराबर होती है, 1 साल की गारंटी वो भी देते हैं, 1 साल की गारंटी आपको दूसरी मोटर वाले भी देंगे।
लेकिन आपको थोड़ी समझदारी यहाँ पे भी करनी पड़ती है कि आप इस बारे में बात ज़रूर कर लें कि एक साल की गारंटी वो फुल देगा, जब भी उसमें कोई कमी आएगी परेशानी आएगी वो आपके पास आएगा और वो ठीक करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेगा। और दोस्तों मशीन के साथ चाहिए होता है आपको एक कंप्रेसर जो एयर इंजेक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ मिलके, तो कंप्रेसर भी लगभग 40,000 रुपये का आ जाता है टू फेस वाला। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होती है एक नाइट्रोजन मशीन जो नाइट्रोजन गैस आपके रैपर के अंदर भरी जाती है, जिससे जो है एक्सपायरी बहुत देर तक चलती है, आपकी नमकीन की उम्र बढ़ जाती है उसके अंदर होने से। तो वो भी 2 लाख रुपए करीब मशीन आती है। एक समझदार जो बिजनेसमैन होता है जो बड़ा प्लांट लगा रहा है वो ये मशीन ज़रूर खरीद लेता है, वरना क्या होता है कि जैसे अगर आप नहीं ख़रीदते हैं और आप बाहर के सिलेंडर से लाते हैं तो रोज़ 4-5 हज़ार रुपये आपको रोज़ खर्च करने पड़ेंगे, रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाएगी, परेशानी होगी, कभी प्लांट चल रहा है चलते चलते बंद हो गई या गैस ख़त्म हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है आप नाइट्रोजन की मशीन बड़े वाली ज़रूर लें जो खुद ही नाइट्रोजन बनाती है, जीवन भर अपने आप बनाती रहेगी, अपने आप ही अपने आप को इंजेक्ट करती रहेगी बस दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों एक बार आप हमसे कॉल ज़रूर करें। फिर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप व्हाट्सएप पे आएँ, मेल करें, अपना प्रोजेक्ट शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे से कोई हेल्प चाहिए, आपको मैनेजमेंट में चाहिए, सेल्स में चाहिए, रॉ मटेरियल में चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम आज से हमारी है, आप हमसे सलाह लीजिए, हम आपको फ्री सलाह देते हैं सारी की सारी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वरोजगार भारत में बहुत बहुत धन्यवाद आपने, धन्यवाद आपका।